रुचि सोया, रुचि सोया, रुचि सोया, एक ऐसा स्टॉक जो कुछ महीनों में ही ना स्मॉल कैप से मिड कैप बन गया, 3 साढ़े 3 रुपए से बढ़ते बढ़ते 1500 रुपए से ज्यादा बढ़ गया। पूरी इकोनॉमी क्रैश हो रही थी, इकोनॉमी में दिक्कत था, शेयर मार्केट टूट रहा था, बट ऑल दिस टाइम एक शेयर बढ़ता रहा जिसका नाम था रुचि सोया। मल्टीबैगर्स की हम बात करते हैं, इसको तो सबने, आपने और हमने साथ में मिलके देखा है, और आप ही की डिमांड पे इतनी रिक्वेस्ट आई ना रुचि सोया के वीडियो बनाने के लिए कि आज हम रुचि सोया पे डिटेल वीडियो बताने वाले हैं और समझने वाले एक एक चीज जो आज के दिन आपको समझना जरूरी है। और साथ ही एंड में हम ये भी डिसाइड करेंगे कि आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, बाय करना है नहीं करना है या क्या करना है। हर एक क्वेश्चन रुचि सोया से रिलेटेड आपका आज के इस वीडियो में होगा सॉल्व। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक और इस वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये आप ही के डिमांड पे है। चलिए शुरू करते हैं। रुचि सोया एक ऐसा शेयर जो मिड कैप बन गया कुछ ही महीनों में। जानते उसके बारे में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, कुछ महीनों पहले मतलब अगर दिसंबर की बात करें ना, ये 10 रुपए से भी नीचे का शेयर चला करता था, और आज आप टिकट एप ऐप पे देख सकते हैं 1500 रुपए से ऊपर जा चुका है। और पिछले एक महीने का मैंने आपके सामने चार्ट लगाया, मतलब डेली अपर सर्किट पे अपर सर्किट, अपर सर्किट पे अपर सर्किट, पिछले 5 से 6 महीनों में इसने 8500 से ऊपर का रिटर्न दिया है। क्या है इसके पीछे की कहानी जानेंगे हम आज इस वीडियो में। जो इसके पीछे की कहानी है ना, और जो इसके पीछे का रीजन है, वो सिर्फ एक है। जी हाँ दोस्तों, बाबा रामदेव। आज हम ये समझेंगे कि कैसे बाबा रामदेव ने ये जो स्टॉक था ना, इससे पहले कि हम बाबा रामदेव की स्टोरी आगे डिस्कस करें और समझे कि बाबा रामदेव ने कैसे पैसा छापा और बनाया इस शेयर के अंदर, पहले इसके पीछे की बात करते हैं। अगर हम कुछ समय पहले चले, मतलब अगर हम 2010 के आसपास चले और पहले चले ना, तो हमें पता चलेगा कि ये शेयर अच्छा हुआ करता था। उसके बाद जब इस शेयर की बैंड बजना स्टार्ट हुई, इतनी सारी दिक्कतें आई कि इवन बैंकरप्सी तक का काम हो गया, और लगभग लगभग 9345 करोड़ का लोन था जो पेंडिंग था, बैंकरप्सी फाइल हो चुकी थी, एनसीएलटी में केस हो गया था, कंपनी बंद होने की सिचुएशन पे थी उस समय। लगभग लगभग 9345 करोड़ का लोन पेंडिंग था। एंट्री होती है बाबा रामदेव की दिसंबर 2019 में। जब बाबा रामदेव एंट्री लेते हैं, उससे पहले इस शेयर का भाव 3.28 रुपए 3.28 रुपीज था। बाबा रामदेव ने यह शेयर परचेस किया 4350 करोड़ में, 4350 करोड़ में यह शेयर परचेस किया। और आज के दिन इस शेयर्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो चुकी है, 44,957 करोड़। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 4,350 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ के जो इन्होंने परचेस किया था, 44,000 करोड़ से ऊपर की हो सकती है। आप समझ सकते हो ये स्टॉक ने मल्टीबैगर आज हमें सबको लग रहा है, बट मल्टीबैगर होने के साथ साथ हमें इसके पीछे के कुछ रीजंस है, पीछे के कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आपका ध्यान जाना चाहिए, ये मल्टीबैगर बना पतंजलि की एंट्री के बाद, बाबा रामदेव की एंट्री के बाद ये मल्टीबैगर बना, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जो फ्री फ्लोट है, जो ऐसे शेयर से जो ट्रेड हो रहे हैं आज के दिन मार्केट में, वो अराउंड 29,80,000 के आसपास है, 29,80,000 बस। और जब बाबा रामदेव ने एंट्री ली थी, उससे पहले लगभग 32 करोड़ से ऊपर के शेयर्स की लिक्विडिटी थी। और आज के दिन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं, इस शेयर में बहुत कम है। थर्ड, आज के दिन जो प्रमोटर्स है, एक बार अपन स्टेक देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 99% से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग है। जी हाँ दोस्तों, मतलब प्रमोटर ने, पतंजलि ने बाबा रामदेव खुद ही परचेज करके अपने पास रख लिया, और इस शेयर का प्राइस अननेसेसरी बढ़ गया क्योंकि मार्केट में सप्लाई थी नहीं, क्योंकि 99% से ज्यादा शेयर्स तो पतंजलि ने, मतलब प्रमोटर ने खुद ने खरीद लिए, सिर्फ 1% शेयर्स में डिमांड इतनी अननेसेसरी क्रिएट हो गई कि यह शेयर बढ़ता ही गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इसके अंदर देखें ना, आज के दिन ये कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, पॉजिटिव बात है, बट एक्चुअली हम सेल्स ग्रोथ देखें ना, 1% की सेल्स ग्रोथ है। और आज ही सुबह हमने वीडियो बना के बताया कि हम जो भी स्टॉक सेलेक्ट करेंगे 15% की अर्निंग और सेल्स ग्रोथ होना जरूरी है, दोनों ही इसमें नहीं हो रहा है। मोर देन दैट, अभी आप में से कई लोगों का क्वेश्चन आएगा, आप में से कई लोगों के दिमाग में बात आएगी कि 99% स्टेक रख कैसे सकती है पतंजलि। ये एक एक्सेप्शन सिचुएशन पे, क्योंकि ये बैंकरप्सी फाइल हो गई थी, बैंकरप्ट हो रही थी, इसीलिए एक्सेप्शन सिचुएशन में प्रमोटर को अलाउड होता है कि ये एक्सेस स्टेक रखे। बट जैसा रामदेव बाबा ने भी कहा, और सेबी की भी नजर अब स्टॉक में आने वाली ही होगी अगर अभी तक नहीं आई, कि इस शेयर में 99% की प्रमोटर होल्डिंग है। और बाबा रामदेव ने क्या कहा कि मैं 20-25% स्टेक अगले 2 साल में बेचने वाला हूं। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि जैसे ही प्रमोटर अपना इतना बड़ा स्टेक बेचेगा तो आ सकती है दिक्कतें। मोर देन दैट,
हमें अब कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि जब प्रमोटर में इतनी ज्यादा हाई हैवी होल्डिंग है, आज हमने जो वीडियो बनाया था सुबह उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताए थे, कभी भी मल्टीबैगर स्टॉक सिलेक्शन से पहले, पहला सेल्स ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ 15% से ज्यादा शेयर में नहीं हो रही है, इसकी जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग नहीं है, अननेसेसरी डिमांड क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है, ऐसे स्टॉक को अब क्योंकि 1500 रुपए हो चुका है, क्या और बढ़ सकता है मुझे नहीं पता, क्या बढ़ सकता है, जी हाँ बढ़ सकता है, मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, बट कीपिंग फंडामेंटल्स एंड रूल्स इन प्लेस, हमें हमेशा रूल से काम करेंगे ना, सो हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉस्पेरिटी होगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको डिसीजन देने वाला हूं, इससे पहले कि हम डिसीजन पे जाए, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट नहीं खुलाया है, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दे रखा है, आप जीरोधा पे जाके अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। जैसे ही आप अपना डीमैट अकाउंट खुलाए, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और साथ ही साथ कौन सा ब्रोकर यूज किया, क्योंकि काफी ब्रोकर्स के मैं लिंक दूंगा, जीरोधा एक सबसे इंडिया का नंबर वन ब्रोकर है, इसलिए हम जीरोधा की अभी बात कर रहे हैं, अपना ब्रोकर आपने क्या यूज किया और साथ ही साथ आपका क्या क्लाइंट आईडी है, हमें मेल कर दीजिएगा, विद इन 10 डेज हमारी टीम आपको पर्सनल ग्रुप में ऐड कर लेगी और एक पर्सनल चैनल पर ऐड करने का आपको प्रोसेस मिल चुका होगा। उसके बाद ना, अब से हमने एक पोल किया था अपने प्राइवेट चैनल पे, जिसमें हमने पूछा था कि क्या अब आप चाहते हो कि हम हमारी ऑप्शंस के पर्सनल ट्रेड्स भी आपके साथ शेयर करें इंफॉर्मेशन बेसिस के लिए। आप में से काफी लोगों ने कहा, ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हाँ आपको ऑप्शन की भी ट्रेड्स चाहिए। सो अब नेक्स्ट वीक से हम ऑप्शन की अपनी पर्सनल ट्रेड्स जब भी करेंगे, जरूरी नहीं कि डेली आएगी, जब भी हम खुद ट्रेड करेंगे वो हम शेयर करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। सो जल्दी से मेक श्योर कीजिएगा कि आप डीमैट अकाउंट खुला ले और प्राइवेट चैनल का पार्ट बन जाए। अब आज के दिन डिसीजन क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात, अगर आप ट्रेडर है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको वॉल्यूम ही नहीं मिलेगा कि आप इस शेयर में खेल सके, सो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म शेयर है, आई नो बाबा रामदेव बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बाबा रामदेव अगर किसी कंपनी के में स्टेक लिया है सो उस कंपनी को वो मल्टीबैगर बना देंगे, बहुत अच्छा हो सकता है, बट आई विल प्रेफर कि इस शेयर में हम हमारी एंट्री, एटलीस्ट मैं मेरी पर्सनल एंट्री अगर लेनी भी हुई मुझे तो उस समय लूंगा जब ये स्टेक जो 20-25% स्टेक बिकने की बात है, उसके बाद जिस प्राइस पे अवेलेबल होगा उस समय हमें वापस से एनालाइज करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। बट आज के समय ऐसा शेयर जो अननेसेसरी विदाउट फंडामेंटल सपोर्ट के बढ़ रहा हो उसमें आपको हाथ नहीं डालना चाहिए, चाहे आप ट्रेडर हो या फिर हो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और कभी भी स्पेशली जब लिक्विडिटी बेस्ड रैली चल रही हो, मोर देन दैट एक ऐसा शेयर हो जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं हो, उसमें अगर आपने हाथ लगाया, कभी रिवर्सल आया तो हम बहुत बुरा फंस सकते हैं। आई नो हो सकता है अभी कुछ हफ्तों तक, और जैसे हमने लास्ट एक मंथ दो मंथ में देखा हर दिन अपर सर्किट, वैसे ही लगता रहे। अगर आप कोशिश भी करेंगे ना, मेजोरिटी टाइम आपको शेयर का मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि शेयर का फ्री फ्लो ट्रेडिंग है ही नहीं मार्केट में। सो मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि मैं अभी इस शेयर में वेट एंड वॉच करूंगा, और कभी अगर अच्छा मौका मिला तब हम लेने की सोचेंगे, बट आज के दिन इसके फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे। मोर देन दैट ये अननेसेसरी डिमांड बेस्ड रैली है और इसका पार्ट मैं एटलीस्ट नहीं बनना चाहूंगा। फाइनल डिसीजन होगा आपका, आप क्या करना चाहते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको किसी भी प्रकार से, चाहे म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बना के दे, या फिर हम आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, किसी भी चीज में हेल्प करें, हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डीमैट अकाउंट लिंक्स भी सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से डीमैट अकाउंट खुला लीजिए और प्राइवेट चैनल का, प्राइवेट ग्रुप का पार्ट बन जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।